अब आखिर मोदी बार बार दक्षिण के द्वार क्यों पहुंच रहे हैं, इसकी वजह आपको समझाते हैं। अगर बीजेपी को 370 पार करना है और एनडीए को 400 पार जाना है तो ये दक्षिण भारत में बीजेपी के अपना प्रदर्शन सुधारे बगैर मुमकिन नहीं है। लोकसभा की 543 सीटों के लिए 19 अप्रैल से प्रचार शुरू हो रहा है। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 130 सीटें आती हैं। साउथ को छोड़कर जो बची हुई सीटें हैं वो 413 रह जाती हैं। सहयोगी दलों को जो सीट दी गई है वो 63 हो जाती है, यानी बीजेपी कोटे में बची हुई सीट 350 है। और इन सबको अगर आप देखेंगे तो 370 का टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल सेट किया है कि 370 सीटें उसे जीतनी है। और सबसे ज्यादा उम्मीदें दक्षिण भारत की 130 सीटों से इस बार बीजेपी लगा रही है। बीजेपी को इस बार ये उम्मीद है कि दक्षिण भारत, जहां बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाती है, कुछ राज्य तो ऐसे हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाता है, उन राज्यों में बीजेपी इस बार ना सिर्फ अपना खाता खोलेगी बल्कि कुछ सीटें अपने 370 के टारगेट में दक्षिण भारत से ऐड करेगी। पिछली बार 130 में से 29 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत पाई थी, इस बार 29 सीटों को डबल करने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है। 370 अगर हासिल करना है, 400 प्लस का टारगेट अगर एनडीए को हासिल करना है, तो ये जो दक्षिण भारत वाली 130 सीटें हैं इनमें से बीजेपी को अपना स्कोर बढ़ाना होगा। पिछली बार 29 सीटें अगर बीजेपी ने जीती थी तो इस बार बीजेपी को 29 को कम से कम डबल करना होगा अगर 400 प्लस या 370 का टारगेट बीजेपी को हासिल करना है। अब बीजेपी ने मिशन 400 पार करने के लिए साउथ इंडिया में 50 प्लस सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है। 543 सीटें टोटल हैं, 130 सीटें साउथ इंडिया में आती हैं। साउथ इंडिया में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी अभी तक अपने आप को कहीं मजबूत नहीं कर पाई है। देखिए, ये 5 राज्य हैं जो फिलहाल साउथ में आते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो 25 लोकसभा सीटें हैं, 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार टारगेट है कि आंध्र प्रदेश में 25 में से कम 5 सीटें बीजेपी जीत पाए। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, यही वो राज्य है जिसने बीजेपी को अच्छी खासी सीटें दी थी। 2019 में 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी बीजेपी का टारगेट है कि अपनी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीत ले। वहीं बात अगर आप केरल की करेंगे, जो सबसे ज्यादा सूखा प्रदेश रहा है बीजेपी के लिहाज से, वहां 20 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी, इस बार बीजेपी का टारगेट है कि इन 20 सीटों में से कम 10 सीटें बीजेपी जीत ले। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तमिलनाडु की तरफ तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और इनमें से भी बीजेपी एक सीट नहीं जीत पाई थी, यानी कि यहां भी खाता नहीं खोल पाई थी। इस बार भी टारगेट है कि 5 सीटें कम से कम बीजेपी जीत ले। वहीं तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 4 सीटें बीजेपी ने 19 में जीती थी, इस बार 8 सीटें जीतने का टारगेट है। इसके बाद लक्षद्वीप की अगर आप बात करेंगे तो एक सीट यहां पर है, पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, यानी कि ये सीट भी नहीं साथ में आई थी। तो इस बार ये बीजेपी का टारगेट है कि लक्षद्वीप की एक जो सीट है उसे जीत लिया जाए। 29 टोटल हो जाता है 2019 का स्कोर, और ये जो टारगेट लेकर चल रही है 2024 का बीजेपी, उसका टोटल हो जाता है 54 सीटों का। 54 सीटें बीजेपी यहां जीतना चाहती है ताकि उसके 400 प्लस का टारगेट जो है वो पूरा हो जाए। आइए अब आपको समझाते हैं केरल में कैसे डबल डिजिट में आएगी बीजेपी। उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हिंदू वोट का फैक्टर है। हिंदू वोट, बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोट एकजुट हो जाए, बीजेपी के साथ ही रहे, कंसोलिडेट रहे, कहीं पर भी बटे नहीं। जो दूसरा फैक्टर है वो मुस्लिम वोटर्स का है। मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस और लेफ्ट में बट जाएं और बटेंगे, इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। वहीं ईसाई वोट बैंक केरला में ज्यादा है, इसलिए ईसाई वोट बैंक के लिए कोशिश रहेगी कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। यानी ये दो वोट बैंक, यानी कि हिंदू वोट और जो ईसाई वोट है, वो बीजेपी को मिले, तभी केरला में बीजेपी जीत सकती है, अपना जो आप कह सकते हैं कि अपनी शुरुआत कर सकती है, अपना जो पिछली बार शून्य रहा था इस बार उसमें कुछ आंकड़े ऐड कर सकती है, अगर हिंदू वोट और ईसाई वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो मुस्लिम वोट के लिए कोशिश ये रहेगी कि पोलराइज हो मुस्लिम वोट, और पोलराइज करने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट में बढ़ जाए ये जो मुस्लिम वोट है, तभी बीजेपी केरला में कुछ कमाल कर पाती है। क्योंकि केरला में 20 सीटें हैं, 10 सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने रखा है। आज प्रधानमंत्री केरला के पलक्कड़ में ही थे
और पलक्कड़ में आज एक रोड शो कर रहे थे और वहां पर रैली को भी संबोधित किया। इस बार कोशिश यही है कि जो 130 सीटें हैं उनमें से कम 54 सीटें बीजेपी जीत पाए, ये टारगेट बीजेपी ने रखा है। अब साउथ भारत में पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी कितनी है इसकी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर कोयम्बटूर की है, यहाँ पीएम मोदी को देखकर लोग भावुक हो गए, कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। कोयम्बटूर में मोदी के स्वागत के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा, किसी ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो किसी ने पोस्टर्स के जरिए खुद को मोदी के परिवार का हिस्सा बताया। ऐसा क्रेज अमूमन दक्षिण में किसी सुपरस्टार के लिए ही दिखता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिखा। मुझे अनेक बार तमिलनाडु आने का सौभाग्य मिला, आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तमिलनाडु में बीजेपी को मिल रहा ये जन समर्थन पूरा देश देख रहा है, पूरा देश इसकी चर्चा कर रहा है। कल मैं कोयम्बटूर में जनता जनार्दन के बीच था, बीजेपी और मोदी को, एनडीए और मोदी को ये जो जन समर्थन मिल रहा, ये जो आशीर्वाद मिल रहे हैं, इसने डीएम की सरकार की नींद उड़ा दी है, नींद उड़ा दी है। तो मोदी की पॉपुलैरिटी आपने देखी, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों का कुल मिलाकर मिजाज कैसा है ये जानने के लिए इंडिया टीवी ने सीएनएक्स के साथ मिलकर सर्वे किया। इसमें बीजेपी उत्तर भारत में स्वीप कर रही है, दक्षिण भारत में भी चौंकाने वाले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ है। हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी को हल्का नुकसान हो रहा है। पिछली बार बीजेपी यहां 25 सीटें जीती थी, इस बार 22 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 22 सीटें कर्नाटक में बीजेपी जीत सकती है। आइए अब आपको आंध्र प्रदेश में इंडिया टीवी और सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के नतीजे दिखाते हैं। 25 सीट वाले आंध्र प्रदेश में बीजेपी शून्य पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1% से भी कम वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी ने आंध्र में जो अलायंस तय किया है उसके बाद हालात अचानक बदल गए हैं। एनडीए अब आंध्र प्रदेश में टॉप पर आ गया है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी राज्य में कुल 2 सीट जीत सकती है, लेकिन बीजेपी की सहयोगी टीडीपी 14 और जनसेना पार्टी 1 सीट पर कब्जा कर सकती है। इसी तरह बात अगर हम केरल की करें तो केरल बीजेपी के लिए चैलेंज रहा, एक मुश्किल प्रदेश रहा है। यहां सांसद तो छोड़िए, केरल में बीजेपी का एक विधायक तक नहीं है। केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं जो यूडीएफ और एलडीएफ में आपस में बढ़ जाती है। पहली बार बीजेपी ने अपने मंत्रियों को केरल के चुनावी मैदान में उतारा है। ओपिनियन पोल में इसका असर भी दिख रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में इस बार बीजेपी का खाता खुल सकता है। बीजेपी केरल में 3 सीट जीत सकती है, यानी बड़े फेसेस को उतारने का फायदा केरला में मिल सकता है। अब बढ़ते हैं दक्षिण के सबसे बड़े राज्य की तरफ, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और पुडुचेरी की 1 सीट है, दोनों को मिला दीजिए तो 40 सीटें हो जाती हैं। बीजेपी अभी तक तमिलनाडु में 1 सीट नहीं जीत पाई है। 2014 में कन्याकुमारी की सीट बीजेपी ने जरूर जीती थी। चुनाव से पहले AIADMK के साथ बीजेपी का अलायंस भी फिलहाल टूट चुका है। बीजेपी ने कुछ छोटी पार्टियों के साथ यहां पर गठबंधन किया है, इसके बावजूद यहां कमल खिलता नजर आ रहा है। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी तमिलनाडु में 5 सीटें जीत सकती है, जिसमें 4 सीटें तमिलनाडु की हैं और 1 सीट पुडुचेरी की है। इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना की, जहां 2019 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। यहां लोकसभा की 17 सीटें दांव पर हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहां 4 सीटें जीती थी। तेलंगाना में बीजेपी ने कोई अलायंस नहीं किया है, यहां उसका सामना कांग्रेस से है जिसने कुछ समय पहले यहां सरकार बनाई है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी तेलंगाना में भी पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगी और 5 सीट यहां से बीजेपी जीत सकती है, यानी कि 1 सीट का इजाफा तेलंगाना से हो सकता है। इसके बाद आइए बात करेंगे दक्षिण भारत के 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के नतीजे आपको दिखाते हैं। इसके मुताबिक बीजेपी इन राज्यों में 37 सीट जीत सकती है, यानी बीजेपी अपने दम पर 37 सीट हासिल कर सकती है। और ये आंकड़ा पिछली बार आपको याद दिला दे 29 का था, 29 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, इस बार बीजेपी 37 सीटें जीत सकती है।
मिशन साउथ में बीजेपी अकेले नहीं है, कई राज्यों में उसने गठबंधन किया है। कर्नाटक में बीजेपी इस बार जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है। तेलंगाना में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु में बीजेपी का गठबंधन AIADMK से टूट गया, लेकिन इसकी जगह PMK ने ले ली। केरल में बीजेपी अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केरल के लोगों में मोदी को लेकर कितना जोश है उसके बारे में हमारे संवाददाता टी राघवन की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे साथ पालाकाड के कुछ वोटर जुड़ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पालाकाड में? डेफिनेटली बीजेपी को एक चांस है। बहुत बार आ रहे हैं इस बार केरला में मोदी साहब? सर बहुत बार आ रहे हैं, डेफिनेटली एक चांस है, देखते हैं वोटर्स क्या डिसाइड करते हैं। इस बार क्या होगा? इस बार ये अगर पार्टी बेस नहीं है तो दुनिया में एक नंबर वन वो यानी पावर मतलब क्या है ना, हम इंडियन बोलने के लिए मोदी जी का लहर है, मोदी जी का लहर है। पांच सीट आएगा। यहाँ क्या होगा पालकाड में? पालकाड़ कृष्णमूर्ति जी जीतेगा, कृष्ण कुमार एंड सुरेश को भी एंड राजीव चंद्रशेखर जीतेगा। ओके, सिनेमा में डायलॉग आता है, सुपरस्टार बनाता है, मेगास्टार बनाता है, शॉर्टकट उसके बाद ठीक है डायलॉग। लेकिन ये है मोदी है ना, डायरेक्ट बोलते हैं, जो बोलते हैं ना वो करता है, वो सुपर पावर माने। मैं LDF का आदमी है, मेरे को एक प्रॉब्लम है तो इसको इसके जाएगा तो फटाफट करके देते हैं। पर LDF क्या इस बार बीजेपी को वोट करेगा? LDF का आदमी, आप LDF का आदमी है, LDF का आदमी इस बार बीजेपी की को सोच रहा है? मैं श्रीकंठन अच्छा आदमी है, मैं सोच रहा हूँ। श्रीकंठन को सोच रहे हैं कि कृष्ण कुमार को सोच रहे हैं? कृष्ण कुमार जी क्या होगा इस बार? अभी वो तीन बार भी आ जाएगा, 400 सीट का ऊपर मिलेगा। हाँ मिलेगा। यहाँ क्या होगा पालाकाड में? क्या होगा पालाकाड में भी मिलेगा? मिलेगा। हाँ पालाकाड में भी मिलेगा, चांस है। आप लोग लोकल वोटर हैं सर? आप लोकल हैं? अरे क्या बात है। हाँ। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पालाकाड में? थोड़ा और आगे आ जाए। बीजेपी आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा इस बार हमारा। जो प्रेजेंट MP हैं श्रीकंठन नायर, उनका परफॉर्मेंस कैसा है? एवरेज है। आप मोदी जी को लाइक करती हैं? हाँ श्योर, आई लव हिम अ लॉट, लाइक ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट PM दैट इंडिया हैज एवर विटनेस्ड। आप वोटर हैं पालाकाड के? पालाकाड। हाँ। पहले किसको वोट करते थे? पहले 10 साल पहले कांग्रेस को करते थे। इस बार आप बीजेपी को करने वाले? क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहे हैं मोदी जी क्या है, तो ऑटोमेटिकली आदमी चेंज हो रहा है। जरूरी है इस देश को प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेतृत्व। आपको लगता है इस बार पालाकाड़ में कृष्ण कुमार साहब जीतेंगे? पक्का हम उम्मीद करते हैं पालाकाड़ में कृष्ण कुमार साहब जीतेंगे, और त्रिशूर में सुरेश गोपी जीतेंगे, और त्रिवेंद्रम में जो है हमारा चंद्रशेखरन जीतेंगे, और वैसी केरला में काफी बदलाव आ चुका है और आगे भी काफी बदलाव होने का संभावना है, संभावना नहीं पक्का होंगे।